Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg. I am with you again. So the FMG result is out. And I am bombarded with a lot of students who have cracked the exam. Many have got 200 plus also. So congratulations to all of you. And many messages I am getting from the students who have not been able to clear the exam. So I will advise not to lose hope. Relax for 2-3 days and then we will analyze what went wrong and where we can improve and how to clear the exam in the next attempt. Okay? So don't lose hope. Ek exam hi hai, abhi clear nahi hua, toh koi baat nahi, agli baar ho jayega yaar. Okay? And those who have already cleared, heartiest congratulations. Main Dr. Spurs ko ek baar fir try karta hun, agar wo add ho jaye to. Chalo, tab tak main hi baat karta calls in between this Insta live also. तो जो स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं प्लीज आई विल नॉट बी एबल टू टेक द कॉल फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर जिसमें हम बात कर रहे हैं. सो हियर आई विल लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है एंड नाउ ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आर्स आल्सो विल स्टार्ट टेकिंग द इंटरव्यूज. दे चूज इज टॉपर्स. हर एक इंस्टीट्यूट को ये होता है कि हम ये दिखाएंगे टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट का है. बट आई ऑलवेज keep on saying के टॉपर विल ऑलवेज बी टॉपर. ठीक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो वो टॉप करना ही था. अब अगर मैं किसी 250 प्लस मार्क्स वाले का इंटरव्यू लूंगा तो एंड इफ आई टेक द क्रेडिट के मेरे कारण 250 आ गया, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर सपोज वो मेरे से नहीं पढ़ता तो 250 की जगह 245 आ जाते. ठीक है, बट स्टिल द पर्सन वुड हैव गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट बिकॉज उसने 5 साल मेहनत की है, उसने रेगुलरली पढ़ाई की है एंड ही इज अ टॉपर, ही डिजर्व दैट. तो इवन इन माय ओल्डर प्लेटफॉर्म्स इफ यू सी द कंटेंट, आप अगर मेरे पुराने पोस्ट देखोगे पुराने वाले प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो वी ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू इज के हम एक नॉर्मल स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को, और हम चाहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट अच्छा करे. टॉपर तो अच्छा करेंगे, ऑब्वियसली टॉपर भी अच्छा करे, बट इवन द एवरेज स्टूडेंट एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स डिजर्व टू पास इफ दे स्टडी प्रॉपरली. ठीक है, तो माई एम ऑलमोस्ट एवरी टाइम इज के स्टूडेंट से उसका बेस्ट निकालना. ठीक है, ऑब्वियसली टॉपर है वो ऑलरेडी बेस्ट दे रहा है, हम चाहते हैं उससे भी बेस्ट करें. ठीक है, बट एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, जो पास नहीं हो पा रहा है, हम चाहते हैं कि वो जरूर पास हो. ठीक है, तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे कोई प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है हम इस एम के साथ स्टार्ट करते हैं. बट देन वट हैपन्स आई डोंट नो. तो फिर से धीरे धीरे करके कमर्शलाइजेशन हो जाती है और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स पे हो जाता है. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो जो एवरेज है बिलो, हर कोई टॉप करना चाहता है एंड आई नो करना चाहिए, एम शुड बी टू बिकम अ टॉपर. ठीक है, बट आप सीढ़ियां चढ़ के ही तो ऊपर पहुंचोगे ना यार. अगर आप पास नहीं हो पा रहे हो अभी और सीधा आप चाहोगे टॉप कर जाओ तो आप और नीचे गिर जाओगे. ठीक है, तो आर एम इज कि आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली सीढ़ियां चढ़ते 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 टॉप पे पहुंचो एंड डू नॉट डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग व्हाट द टॉपर्स डू. टॉपर्स ने 5 साल पढ़ा है यार, अगर आपको वो बोलेंगे कि आप सिर्फ 1 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज कर लो, आप नहीं कर पाओगे. दे कैन डू. ठीक है, सो माई एम विल ऑलवेज बी विद द एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज स्टूडेंट्स एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम. ठीक, तो इस समय मैं पहले डॉक्टर स्पर्श को ऐड करता हूं. आई थिंक डॉक्टर स्पर्श इज देयर. डॉक्टर स्पर्श, अरे हाय सर. हाय सर. हाय स्पर्श सर, आज तो बड़ा शानदार दिन है. मतलब आई एम श्योर कि पिछले 1.5-2 घंटे से जो चल रहा है ना, मतलब मैं आई वाज हैविंग अ यूआरआई एक्चुअली एंड आई वाज नॉट फीलिंग टू गुड, सो मेरे को लगा सो जाते हैं, बट सडनली ऐसे बम्बार्डमेंट शुरू हुई ना और इतना सारा प्यार फिर से. So sweet of you. Sunpash, मतलब I am getting a lot of messages from the students who have cleared the exam. And at the same time, I am getting messages also from some of the students who are not able to clear the exam. ठीक है, तो मैं उन सबकी खुशी में शरीक हूँ जो लोग पास हुए हैं. बहुत बहुत बधाई सबको. ठीक है, बट मैं उन लोग 100% सर, हम डेफिनेटली उन लोग साथ खड़े हैं हर तरीके से जिन लोगों का एग्जाम नहीं पार हुआ है, और ताहम कोशिश करेंगे कि हम जून में मिलके जो हम पहले वाले ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं उन वही वाली बातें आपके लिए करें. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं स्पष्ट इनको ये बता रहा था कि
पहले हम हर एक जगह पे स्टार्टिंग में, मैं तो अराउंड 20 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं खुद भी कभी टॉपर नहीं रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एवरेज या बिलो एवरेज या अबव एवरेज स्टूडेंट है हम उनसे बिल्कुल उनका बिल्कुल सर, बेस्ट निकालें। ठीक है, तो टॉपर से तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है। ठीक है, टॉपर को कोई कुछ देता नहीं है, टॉपर से सिर्फ क्रेडिट लेता है क्योंकि टॉपर उन्होंने बहुत मेहनत की है, जी तोड़ के मेहनत की है, दे डिजर्व टू बी टॉपर्स। ठीक, बट मैं आज एक ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहूंगा कि मतलब कई स्टूडेंट ना हमारे दिल के बहुत करीब हो जाते हैं। दिस इज वन गर्ल जिसने हमारा सेरेबेलम एकेडमी ज्वाइन किया, ओआरआर वाला कोर्स जो दिल्ली में हुआ था, ऑफलाइन कोर्स। ठीक है, तो उसके बाद शी गॉट इनटू डिप्रेशन, देयर वर सम रीजंस। ठीक है, मुझे एक दिन कॉल आई कि मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, लाइफ इज नॉट वर्थ वाइल एंड हाँ जी हाँ ऑल जी सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, तो आई टॉक टू सम डॉक्टर्स, उसको साइकेट्रिस्ट को एडवाइस किया, उसके फ्रेंड को बुलाया कि भैया इसका ध्यान रखना, शी इज नॉट फ्रॉम दिल्ली। तो ये सब करने के बाद मैं रात को सो नहीं पाया, मुझे ऑब्वियसली ध्यान बात है है वो कि आई वॉज शी वॉज वेरी इन गौतम वरीड कि नगर है मतलब ना क्या। उसकी। आई हाँ डोंट हाँ आई रिमेम्बर यू कॉल्ड मी। हाँ यू टोल्ड मी। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरी थोड़ी उससे इंटरेक्शन चलती रही। ठीक है, एंड शुरू में फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैंने उनसे बात की तो शी वॉज बिलो एवरेज, के मतलब मुझे उस समय रिजल्ट का मैटर भी नहीं करता था, मुझे लग रहा था कि एफएमजी डजंट मैटर, सबसे पहले शी शुड बी इन गुड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो मैंने उससे काफी बात की, रेगुलरली बात करता रहा, एंड उसकी बातों से आई केम टू नो के मतलब शी नीड अ लॉट लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर पासिंग द एग्जाम। ठीक है, एंड देन शी स्पेंट अराउंड 2 मंथ्स इन डिप्रेशन, तो जिसमें पढ़ाई वढ़ाई तो कहाँ ही होती है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग आई वॉज नॉट वरीड अबाउट द रिजल्ट्स। ठीक, तो उसके बाद शी रिकवर्ड, साइकेट्रिस्ट हमारे डॉक्टर संदीप गोविल है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, शी रिकवर्ड एंड शी स्टार्टेड स्टडी। और उसके बाद आई कुड सी हर इन एवरी यूट्यूब लाइव ऑफ सेरेबेलम, हमने सेरेबेलम के बहुत हाँ सारे यूट्यूब लाइव किए थे, बहुत जी सारे सेशंस किए थे। ठीक है, मतलब मैं आता था तो पता नहीं क्यों मेरा एक वो लड़की है कि नहीं है लाइव में, एंड शी वॉज इन एवरी लाइव सेशन एंड शी स्टार्टेड आंसरिंग द क्वेश्चंस, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि शी हाँ नोज जी हाँ कि जी ये पास हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आई हैव सीन के फ्रॉम बिलो एवरेज वो लगातार मेहनत करके, इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग सो मच टाइम, इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विद द मेंटल इश्यूज, एंड टुडे शी क्लियर शानदार द सर, एग्जाम। ठीक, तो आई एम मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, वेरियर्स हैं यार ये लोग। ठीक है, तो आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस हर नाउ, आई थिंक शी इज देयर। सर एक्चुअली ये ना स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैं आई थिंक सभी स्टूडेंट्स के लिए शेयर करना चाहूंगा ये चीज। अच्छा वो शी इज देयर। हेलो सर, हाय गुड इवनिंग मैम, हेलो गुड सर, इवनिंग, गुड इवनिंग, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत मैनी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, टू यू। थैंक यू सो मच। ईशा चलो अपने बारे में बताओ कुछ, मैं सो तो बहुत जानता हूँ बाकी लोगों को अपेरेंटली पता। आई हैव अ 36 नाउ, सो कैन आई एम डॉक्टर ईशा कात्रे, आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम स्मॉलिंग स्टेट यूनिवर्सिटी इन रशिया, एंड बाकी तो गोविंद सर ने बता ही दिया है। नहीं, आपने स्ट्रगल के बारे में, आपने पढ़ाई कैसे करी है, बिलो एवरेज से आप अबव एवरेज आके, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच लेस टाइम, इतने इश्यूज के साथ लड़ने के बाद भी आपने पास किया, यस थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सो आई मुझे 175 आए एफएमजी में, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई स्टिल डोंट बिलीव दैट दिस इज ट्रू। ऑनेस्टली मैंने स्टार्ट बहुत लेट किया था, आई कुड नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पर्सनल रीजंस। आई स्टार्टेड अराउंड मिड ऑगस्ट में मैंने स्टार्ट किया था, आपके सर फार्मेट के क्लासेस थे ऑफलाइन 5 डेज के, सो दैट वॉज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट डे कि मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया था ऑन इन मिड ऑफ ऑगस्ट समवेयर। एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ओके, एंड हाँ हाँ सुन रहे। उसी टाइम पे एक्चुअली सर आई हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट विद मेंटल हेल्थ फॉर सो मेनी इयर्स, आई कैन नॉट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई एम नॉर्मल। सो आई रीच्ड आउट टू यू आफ्टर यू, जब भी गोविंद सर ने अपनी स्टोरी सुनाई थी तभी आई वाज लाइक कि नहीं मतलब सर
अगर कर सकते हैं फ्रॉम ओडी टू ऑडी, वो बस दिमाग में बैठ गया. सो सर की स्टोरी थी सक्सेस की, एंड आई हैड अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल. सो आई वाज लाइक कि कुछ भी हो आई हैव टू इम्प्रूव. सो आई रीच्ड आउट टू सर, आई आस्क्ड हिम दैट सर आई नीड हेल्प, एंड सर हेल्प मी अलॉट. ही कनेक्टेड मी विद डॉक्टर संदीप गोविल. दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली हैड द करेज टू सीक अ साइकाइट्रिस्ट. एंड अपेरेंटली मुझे जो लगा उससे कहीं ज्यादा मेडिकेशंस की जरूरत थी, अभी भी है. एंड नहीं, आई हैड गिवन अप कि मेरे से नहीं हो पाएगा. सो बट कहीं पर मैंने सुना कि अगर अभी गिव अप किया तो 100% फेल हो जाऊंगी, लेकिन अगर ट्राई किया तो मे बी 50% चांस है कि आई कैन पास. सो मैंने ऑगस्ट से स्टार्ट किया. बीच में 1.5-2 महीने मेरे वापस वेस्ट हुए बिकॉज आई कुड नॉट गेट आउट ऑफ बेड, आई कुड नॉट ब्रश माई टीथ, आई कुड नॉट डू एनीथिंग विच वॉज नॉर्मल फॉर एवरीवन. सो वन और टू ऑफ माई फ्रेंड्स न्यू अबाउट दिस, दे हेल्प मी अलॉट. एंड सर के साथ आई वॉज इन कॉन्स्टेंट टच. जब भी लगता था कि कुछ हेल्प चाहिए, सो आई ऑलवेज यूज टू रीच आउट टू सर. एंड समहाउ बस दिन गुजरते गुजरते पढ़ाई शुरू की. एंड आई थिंक रिजल्ट सामने दैट्स ग्रेट टीचर। आई रिमेम्बर कि आपने मुझे कितनी बार 3 बजे जगाया। है. नॉट नॉट एट ऑल। आई एम ऑल इस स्टडीज के बारे में कुछ बताओ कि मतलब आपने क्या ऐसा अलग किया या क्या ऐसा मतलब आपने किया जिसमें आप अपरेंटली मतलब मेरी असेसमेंट यूजुअली गलत नहीं होती है कि यही चीज अगर मैंने 3 महीने पहले आपका परफॉर्मेंस जो जितनी भी आपसे मैंने बात की थी वो देखा होता तो आई कुड हैव सेड के भाई इसको बहुत मेहनत की यस जरूरत है ये पास नहीं हो सकती लड़की। ठीक है बट देन ग्रेजुअली आई सॉ द चेंज कि आप में इतना इंप्रूवमेंट आया। यू वर आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो करेक्टली। ठीक है तो मतलब वो कैसे किया आपने। मतलब आई विल वांट के बाकी जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया लगे कि यस कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है। सो सर आपने जस्ट जब ही सेरिबेलम लॉन्च हुआ था, सो दैट वाज माय पीरियड वेयर आई वाज एट माय वर्स्ट. कि इससे बुरा बस अभी कुछ हो नहीं सकता. और मैंने कुछ पढ़ा नहीं था ऑनेस्टली. बस जो कॉलेज के एग्जाम्स होते थे उसके लिए जैसे तैसे पढ़कर आई यूज टू गो एंड पास द एग्जाम्स. एवरेज और बिलो एवरेज के लाइन पर मैं हमेशा से खड़ी थी. जब ही सेरिबेलम लॉन्च हुआ, आई जस्ट गॉट अ रफ आइडिया कि 19 डेज में शायद 19 सब्जेक्ट्स कवर हो जाए. एक बार बस सुन लू कि क्या इम्पोर्टेंट है, सो मे बी आई कैन डू दैट. सो आई डिड दैट. जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो किया. फिर आपके सबके यूट्यूब के लाइव वीडियोस मैं देखते रहती, वो तो बहुत बाद में आए, बट आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग. और सब लोग बस एक ही चीज कहते थे कि PYQ उस पर ध्यान दो. जब भी मुझे ऐसे लगता था कि आज का दिन मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, सो आई यूज टू ओनली डू PYQs. कि और कभी कभी वो भी नहीं होता था. इट वॉज लाइक कि इट्स ओके. मतलब मैंने देखा है कि पहले मैं खुद को फगीव नहीं कर पाती थी कि मैंने पूरा एक दिन वेस्ट किया. एक दिन का एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते का एक महीना हो गया. एंड जो मेडिकेशन चल रही थी उसमें से आई यूज टू बी असलीप मोस्ट ऑफ द टाइम. वो जो अवेक रहने का टाइम है उसमें बस PYQs देखती थी. और जो 20th बुक में था मैं बस उसे बस उसको एक ही बुक को मैंने अपना सब कुछ बना लिया. एंड देन धीरे 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 समझ में आने लगा कि कुछ शायद ये कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है. मे बी आई कैन डू इट. एंड एक पॉइंट पे सर सारी वरी हट गई. मुझे ऐसे पता था कि मैं फेल ही होने वाली हूँ, कि आई एम नॉट गोइंग टू पास. रादर आई विल स्टडी प्रॉपरली कि जो कंसेप्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं. जैसे पाथो का हिमाट मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था. ALL, AML, CML, CLL कभी नहीं समझ में आया. बट फिर बाद में ध्यान से धीरे धीरे से वो कंसेप्ट इंटरेस्ट मन लगा कर पढ़ा. जब भी वो वरी फैक्टर निकल गया था कि फेल ही होना है, तो कोई मतलब आई हैव नथिंग टू लूज, सो आई विल रादर स्टडी प्रॉपरली. एंड दिन के मैंने शुरुआत की थी 4 घंटे से. कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था कि 4 घंटे नहीं हो रहे मेरे से. कई बार जब भी लेक्चर्स चालू थे आई यूज टू गेट अप एंड गो आउट, क्राई इन द वॉशरूम एंड कम बैक एंड सिट सिट अगेन. कि इट्स ओके. धीरे 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 इवेंचुअली खुद को फॉरगिव करते करते आई कैन डू दिस. सो मैंने किया. एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि आई विल पास. एंड पता नहीं 175 कैसे आए, सच में नहीं पता. इट इज थैंक्स टू यू ऑल कि आई कुड रियली डू दिस. नहीं,
all your hard work. And most important, what I could find is number one is consistency, and number two is removing the fear of failure. ठीक है, अगर आप सारे स्टूडेंट्स ये दो चीजें कर सकते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो बिना डर के, बिना रिजल्ट के बारे में सोचे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। सर, उसमें मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, जो हम अपने लाइव सेशंस में भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, जो डॉक्टर ईशा ने बहुत अच्छी तरह पिकअप करी, और वो ये है कि फॉर एनी रीजन अगर हम एफर्ट करना छोड़ दें तो इस चीज की 100% श्योरिटी है कि हमारा एग्जाम कभी पार नहीं होगा। लेकिन अगर हम एफर्ट करें तो देन देयर इज अ 50-50 प्रोबेबिलिटी हम रखते हैं ना, जैसे अब आप क्रिकेट में देखते हो तो कॉइन उछालते हो तो 50% हेड 50% टेल्स, तो उतनी प्रोबेबिलिटी तो आपकी डेफिनेटली बनेगी ना, एग्जाम हो सकता है। और होता क्या है कि इधर वेज देखो, आपने मान लो कि प्रोबेबिलिटी का रूल है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो अभी आपने डॉक्टर ईशा का एक्सप्रेशन देखे, शी इज वेरी इमोशनल, शी इज वेरी हैप्पी, शी इज एक्सटैटिक, और यू हैव टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम योर आईज की यार हो गया, मतलब कैसे हो गया पता नहीं। और वैसा ही उन लोगों के साथ भी होता है अनफॉर्चुनेटली, जो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। अभी मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, और उसमें से आदिल, आकाश, जफर, नाइट, बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं आई एम सॉरी हम सबके नाम अभी नहीं ले पाएंगे, एक एक कर ज्वाइन करेंगे। हाँ, काशिफ मिनाज, यू ऑल क्लियर द एग्जाम, दैट इज सो वंडरफुल। बट मैं बीच में वो भी लोगों को देख रहा हूँ कि वी जस्ट मिस्ड इट, और क्यों मिस किया, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, अब देखो वो टैग चेंज हो गया, पहले फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर था, नॉट सो फ्रस्ट्रेटेड डॉक्टर हो गया, हैप्पी डॉक्टर, स्माइलिंग डॉक्टर। तो पॉइंट यही है कि अभी आप देख रहे हो कि आपने बहुत सारे लोगों से कहानी सुनी होगी कि एफएमजी एग्जाम का रिजल्ट है ना 2% आता है, 5% आता है ना। आप इस बार खुद देख रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग द रिजल्ट इज अबव 20%, आई थिंक 25% के आसपास है, 30%। तो मेरा पॉइंट है कि कंप्यूटर जो होता है, अगर उसको 2% रिजल्ट बनाना था तो वैसे ही करता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर मैच्योर। गोविंद सर और मैं तो 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, और हम तो हमेशा एक बात बोलते हैं, एफएमजी हमारे दिल के बहुत पास है। उसका रीजन भी उसका ये है, बिकॉज वी स्टार्टेड अवर टीचिंग करियर विद देम। तो हमारे बहुत सारे निमोनिक्स को कंट्रीब्यूट करने में, वो कहानियां बनाने में, हमारी एकेडमिक ग्रोथ में अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और हम उसको कभी नेगेट नहीं करते। वी विल नेवर से कि आप किसी से इंफीरियर हो, रादर हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ 18-19 ईयर्स ऑब्जर्व किया वो ये है कि पीपल गिवन द राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन, we all are having a very good form of energy, but given the right direction we can definitely achieve wherever we set our eyes on, right? abhi ek zamana tha, matlab I remember categorically, Govind sir ko yaad hoga, we had students like Venkatesh, we had student like you know Vikrant, jinke 200 plus aaye the, aaj wo urosurgeon hai, laparoscopic surgeon hai, aur abhi agar main chat dekhta hu, abhi mere paas kam se kam 20 message hai where people have told ki they have got a score of 200 plus। to mera point hai ki गोविंद सर ने, और मतलब मैंने वो जब वो बनाया था वो हॉट मलिका, तो तब से हॉट मलिका थी, है ना, वो सोनम बेवफा थी, वो बेवफाई थी, राइट। बट अब ऐसा क्या हो गया है कि व्हाई आर स्टूडेंट्स हैविंग अ बेटर स्कोर, इट इज जस्ट बिकॉज़ स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर मैच्योर, दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इफ दे पुट इन मोर एफर्ट्स विद द राइट गाइडेंस ऑफ द फैकल्टी, द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी फार मोर इजियर फॉर देम। सो फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, फ्रॉम अ 2.5% रिजल्ट टू अ 25% रिजल्ट, आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स। And therefore we keep on talking about that fact ki we are very much happy for all the people who are going to be you know who have cracked the exam, but we very much stand with all those people as well who for some reason have not been able to do it। uska reason aapne identify karna hai ki aap kyun nahi kar paye। dekho aur main aapko ek example batata hu, isha ke example se aap soch sakte ho, bahut sari baar aisa hota hai hame na chot lagti hai, maan lo main gir gaya, kisi ko fracture ho gaya, kuch cheeze aisi hoti hai, kuch chote aisi hoti hain jo aapko dikhti hain, theek hai, wo aapko समझ में आता है कि वो आपको क्यों रोक रही है। मेंटल हेल्थ इशू एक कॉम्प्लेक्स इशू है, आई थिंक प्रवीण सर इज अ बेटर एक्सपर्ट एट इट, या पीपल हु हैव गॉन थ्रू सच फेजेस वुड एग्री, वो ना दिखती नहीं है, बट स्टिल इट इज काइंड ऑफ अ ब्रेक टू यू। बट पीपल लाइक डॉक्टर ईशा एंड वी आर लकी, आई मीन आई लिटरली टेल यू, आई फील ब्लेस्ड एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बींग, वेन एवरी 2 months, एवरी 6 months वी बंप इन टू पीपल लाइक हर, who inspire us ki in spite of all odds, in spite of all the problems that they are facing in their personal lives, they still overcome it। to jab hame ek chinta hoti hai na ki hum ek din mein course pura kaise karein, logistics issues ho rahe hote hain, hai na, kabhi kabhi hamare kuch ex jo log hain jinke sath humne kaam kiya wo hame prem patra bhej rahe hote hain, to we also feel frustrated, after all we are also human beings, no। lekin uske baad hota kya hai ki hame aisi kahaniyan yaad aati hain ki aaj se kuch saal pehle ek vikrant tha, है ना, एक डॉक्टर ईशा थी,
एक ऐसा व्यक्ति था जो कह रहा था मैं छत से कूदने वाला हूँ, एक ऐसा व्यक्ति था जो एक फार्मर का बेटा था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पेरेंट्स ने अपना सब कुछ एट स्टेक लगा रखा है, एंड ऑल दोज पीपल हैव पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स, उसके बाद उनका एक अच्छा रिजल्ट आता है, एंड ट्रस्ट मी उनके साथ हमने बहुत बार ऐसा होता है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जाके वो जीआरशिप कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो कहीं मिलते हैं हमें इधर उधर, कुछ बहुत सालों बाद ऐसा होता है कि पीपल हैव बीन काइंड इनफ टू इनवाइट अस टू देयर वेडिंग्स, फैमिली फंक्शन से बुलाते हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मिल रहे होते हैं, देन यू फील, आई मीन इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग टू बी अ टीचर देन. मतलब देर आर पीपल, मेरे कहने का मतलब है कट शॉर्ट में करूं तो, हु आर इन अ मच वर्स सिचुएशन देन अस, स्टिल दे आर एबल टू परफॉर्म ओवरकमिंग ऑल दी प्रॉब्लम्स. तो फिर आपको लगता है यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है ना, किसी आदमी को ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ वर्थ नहीं है ना, उससे तो मेरी प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत कम है ना. अगर वो व्यक्ति बीट अ बॉय बीट अ गर्ल, वो अगर उसको ओवरकम कर सकता है तो डेफिनेटली मैं तो कर ही सकता हूँ ना. एंड टू ओवरकम दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड टू अचीव समथिंग इज देन डेफिनेटली अ वेरी एक्सिलरेटिंग फीलिंग. तो मतलब हैट्स ऑफ टू यू मैडम, एंड आई वुड से कि प्लीज कन्वे अवर डीपेस्ट रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू योर फैमिली एज वेल. वी आर वेरी मच ऑनर टू हैव नोन पीपल लाइक यू, एंड वी होप दैट यू कीप ऑन इंस्पायरिंग मोर पीपल, स्पेशली पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम, एंड पीपल हु हैव अ फीलिंग कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, राइट right? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है इनफैक्ट, मैं बोल रहा हूँ, राइट. हाँ जी सर. यू नीड टू रियलाइज दैट के जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है. देर आर पीपल हु आर मच मच एट डिसएडवांटेज. अगर आप ब्लेम करना एक बार स्टार्ट कर दोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे. इन स्पाइट ऑफ ऑल ओड्स अगर आप काम करते रहोगे तो डेफिनेटली यू विल क्लियर, ठीक है. तो मेरा आज ही मेरे एक फ्रेंड से बात हुई, ही हैड सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है. तो जिपमर में स्टडी कर रहा है वो, देखो सेरेब्रल पाल्सी है उसको, मस्कुलर स्टिफनेस है उसको, रेगुलर मेडिकल है, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है. तो ही वाज सेइंग कि मेरा इंटर्नशिप में इतना टाइम निकल जाता है, फिर फिजियोथेरेपी में टाइम निकल जाता है, पढ़ाई करने का टाइम ज्यादा मिलता नहीं, बट मैं लगा रहूंगा, मैं करके हटूंगा, ठीक है. तो क्रिब करना होता तो वो कभी भी कर सकता था यार, कि मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों हो गया कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है. तो फिर बर्बाद थी ना अगर सोच लिया उसने तो, ठीक है. बट अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल रीच समवेयर, ठीक है. अगर क्रिब करना एक बार स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया ना कि मेरी फेलियर का कारण ये है, और आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो आप हमेशा ही फेल ये रहोगे, हमेशा आगे से कभी सर बढ़ोगे ही नहीं. हमेशा यू फैक्टर नीड रहा है. टू वाई मी वाई मी. आई थिंक मैंने आपको भी बहुत बार रोते रोते यही सवाल पूछा है कि मैं क्यों, लाइक मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा है किसी का दैट आई हैव टू गो थ्रू दीज टफ टाइम्स. सो वो वाई मी के फेस से निकलना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था. एंड मे बी आई एम स्टिल इन इट, आई डोंट नो. बट उसमें से निकल कर जब भी वो रियलाइज हुआ कि बहुत क्लीशे लगता है जब ऐसे कोट्स कोई पढ़ते हैं तो, बट रियल लाइफ में अप्लाई करके समझ में आता है कि दिस इज नॉट क्लीशे. वाई मी से ट्राई मी तक जाना इज अ वेरी टफ जर्नी एंड यू कैन एक्चुअली ओवरकम दैट. ये मैंने अभी सीखा. हाँ To सर, have to travel. थैंक यू आई सो एम वेरी मच सर, हैप्पी थैंक यू एंड सर, थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द थैंक और ये ना एक चेन यू. रिएक्शन है, मैं इसको ऐड करता हूँ, ये ना एक चेन रिएक्शन है. जैसे गोविंद सर की वो ऑडियो वाली क्लास है ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ बिकमिंग वेरी इमोशनल रिमेम्बरिंग ऑल दी स्ट्रगल्स दैट वी हैव हैड. बहुत सारे लोगों को पता नहीं, कभी टाइम मिलेगा तो लंबे आराम से सुनाएंगे. मतलब है ना, टू 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 वॉक, गोविंद सर को तो डेफिनेटली याद ही होगा, मतलब 2-2 किलोमीटर वॉक करना. देन वी वर लकी एनफ एंड आई फील वी वर ब्लेस्ड, हमने एक बाइक ली, एक बाइक लेके 25 किलोमीटर जाते थे है ना, पूरी गर्मी में. ऐसे दोज वर द डेज व्हेन देयर वर नो एयर कंडीशनर्स इन द क्लासरूम्स एंड वी टॉट पीपल. स्टूडेंट्स भी बहुत मतलब मैं कहूंगा कि प्यारे होते थे लेकिन उतने ही शरारती होते थे. तो उस कहानी से जैसे आपने इंस्पिरेशन लिया, अभी चेन रिएक्शन क्या होता है कि ईशा ने करके दिखाया है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग को सेम प्रॉब्लम हो रही होगी या बहुत सारे लोग सेम उस लो फेस से फील कर रहे होंगे या नेगेटिविटी से फील कर रहे होंगे, बट वो एक फीलिंग होती है कि यार अगर ये मैडम कर सकती है, अगर ये लड़की कर सकती है जो कि हमारे जैसी थी, राइट, इसमें इसने भी एग्जाम दिया तो व्हाई नॉट अस. तो वो ना एक गुड वाली चेन है. तो मेरे को लगता है हमें ना, हम सबको वो तो गुड वाली चेन को ना इनिशिएट करना है. आई थिंक वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वाई वी थॉट ऑफ सेरिबेलम एंड स्टार्टेड इट. अदरवाइज क्या है कि वो एक नेगेटिव चेन स्टार्ट होती है कि पेपर बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा क्लिनिकल था, पीजी के एग्जाम एफएमजी में आ गए, एंड देन कुछ लोग बोलते हैं कि वो पेपर लीक हो गया,
कुछ लोग बोलते हैं वो मैंने बनाया पेपर, इसने बनाया, उसने बनाया, एबीसी, तो वो नेगेटिव चेन आप आपके हाथ में, आप कौन सी चेन स्टार्ट करते हो। तो मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि प्लस कुछ लोग 250 प्लस हाँ जी पढ़ना है तभी आप पास हो सकते हो, है ना। तो इज डिफरेंट ऑब्वियसली बात है ना। तो किसी को 12 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, किसी को 8 घंटे भी पढ़ना पड़ता है, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, कि आप लगातार लगे रहो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो डेफिनेटली यू विल अचीव। डॉक्टर आसिफ मलिक ने बहुत बार मैसेज कर दिया, प्लीज मैं उनका 249 मार्क्स जबरदस्त, आसिफ शानदार। नेट्स ऑल सर ऑफ मेरे इंडिया कौन कश्मीर स्टेट का स्कोर पता है? और इंडिया पूरा आप पे प्राउड करता है। बहुत मेरे फर्स्ट जीटी हाँ जी का स्कोर कितना है पता है सर? मैंने अगस्त के नहीं अराउंड एंड एंड नहीं बट अगस्त मिड में ही पहली बार जीटी दी थी, सो आई गॉट 96 इन दैट। मतलब वाह, तभी तो मैं कह रहा था शुरू में ये लड़की पास नहीं हो सकती। 175 सच में कैसे आए मुझे नहीं पता सर। ऑल हार्ड वर्क है, इट्स ऑल हार्ड वर्क। तो थैंक यू सर, धन्यवाद। ईशा कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, ठीक है। आप विल बी इन टच एंड डू नॉट गो इनटू डिप्रेशन अगेन, ठीक है। बी पॉजिटिव, ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारे हाथ में, बट बी पॉजिटिव एंड यू विल कम आउट ऑफ इट कम्प्लीटली, ठीक है। तो आई थिंक अब हम आपका बहुत टाइम ले लिया, आपको बाय बाय करते हैं। डॉक्टर स्पर्श, वी कैन रिक्वेस्ट सम हाँ अदर जी, हाँ जी। स्टूडेंट्स टू अब ज्वाइन हमारे बहुत है ना। सारे वो दोस्त जो पिछले 2 घंटे से लगा हुए हैं, ताबड़तोड़ की सर शक्ल देखनी है, मिलना है, बात करनी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, हम बहुत कम कम ड्यूरेशन के लिए, वी विल ट्राई टू अकोमोडेट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और वो रिक्वेस्ट आप हमें प्लीज भेज दो, और एक एक मिनट के लिए अपनी सुपर टिप दे देना, शेयर कर देना, और उसके बाद। हाँ जी, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू यू सो मच, थैंक यू सो मच, सर, थैंक यू सर, बेस्ट विशेस अगेन। थैंक यू सर। स्पेशल को आप ज्वाइन कैसे करवाते हैं बाकी लोगों को? सर मुझे आपके आइडिया पास आता नहीं वो है। नोटिफिकेशन आएगा, दैट इज हाँ सारे हाँ किसी को भी वो हाँ हाँ मैं किसी भी एक्सेप्ट एक कर व्यक्ति को लूं? कर लो सर, हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते होंगे यार, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच धवल जी। बट कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए, इंडिविजुअली आपसे जरूर करेंगे बात, लंबी बात करेंगे, लेकिन आज एक्सेप्ट रिक्वेस्ट बट अभी तक आंसर नहीं आया है, नहीं आना तो चाहिए एक्सेप्ट सर। करने के बाद भी नहीं आता आप क्या? एक दो को और कर लो सर, आई थिंक वी कैन हैव 4 पीपल। आर वी हैविंग एनीबडी फ्रॉम आर टीम एज वेल, विवेक सर या पूर सर वगैरह? सिंपल मैन विद सिंपल गोल्स, बहुत ही शानदार यार। स्वप्ना सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको, मेड बेसिक्स। धवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंकाल मराकना, ओके, कंग्रेचुलेशन अंकित। सुहाया बेन, हाँ जी, मेड बेसिक्स, आई थिंक एबल टू ज्वाइन, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन कर अशोक पा रहे। चौधरी जी, हाँ जी, बन्ना पीएचडी, हाँ वी हैव समबडी सर। हेलो, अच्छा ये हेलो डॉक्टर आसिफ, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? ऑल वेल, ऑल वेल, गॉड्स बीन काइंड, आई आप एम बताएं फाइन। आई थिंक स्टूडेंट्स हैव सेंट द रिक्वेस्ट एंड देन दे हैव यार, कॉल। आप भेज सकते हैं, आई थिंक वी आर वेरी मच देयर एंड इट विल बी प्रीटी गुड। बस आप काम काम के अपनी जो एक मेजर टिप है वो आप शेयर कर लेना, अपनी एक अच्छी टिप बताना जो आपने फॉलो करी, और अपनी एक वो चीज बताना शॉर्टकमिंग जो आप हेलो गुड इवनिंग चाहते थे सर, कि आप ओवरकम करें। हाँ आई डोंट जी, नो। हाँ जी सर, हाउ आर यू? हाँ आसिफ अगेन, वी आर फाइन आसिफ, बस बताओ सर अपने मैं बारे में कुछ। कश्मीर से हूँ, हो गया FMG। हाँ बहुत बहुत बधाई वासिफ, जी, थैंक यू ग्रेट सो ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस। मच। यू आर द वन हाँ, हु आई गॉट वन हु फोर्टी गॉट नाइन टू टू फोर्टी फोर्टी नाइन नाइन सॉरी मुबारक। मैं आसिफ को बोलने आसिफ वाला एंड था, मैंने कहा डॉक्टर आप तो यू कश्मीर कैन का वो कावा पिलाएंगे अच्छे वाला, सैफरन डाल के, इतने में आसिफ भाई चले गए। तो आई थिंक आई एम एक्सेप्टिंग ऑल द रिक्वेस्ट बट नो वन इज एबल टू ज्वाइन, डोंट नो व्हाई। अच्छा, थैंक जो भी आना चाहते हैं प्लीज, पुरानी रिक्वेस्ट जो है उसको मैं यू भूल रहा हूँ क्योंकि पुराने वाले में प्रशांत, एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, थैंक यू प्लीज प्रशांत, रीसेंट द मेनी रिक्वेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, लेट्स बी कूल, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। डॉक्टर। डॉक्टर दिव्या खंडेलवाल, मेनी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। आई हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट यार, सर कनेक्ट हो वो गया लेकिन कंप्यूटर, ज्वाइंट गुड गुड इवनिंग सर, ज्वाइंट। हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग यार, बाय।
frustrated. Now I'm really not very frustrated, sir, after seeing you. Sir, it was my dream, sir. I couldn't believe it. I'm talking to you right now. Sir, Govind, sir, literally, sir, I have no words. Congratulations, man. Any you, sir. She's my mom, sir. Namaskar, auntie. Hello, namaskar. Namaskar, ma'am. Sir, आपको बहुत बहुत बधाई. मैं रोहतक हरियाणा से हूँ सर. मैं भी मेरे फादर हैं सर. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार सर. बहुत बहुत बधाई हो. और अगर मैं रोहतक की भाषा में बात करूँ तो छोरे ने कितनी लट्सा काट दिया. सर एक बार प्लीज रिपीट करना सर. सर मैं कह रहा था कि क्योंकि पेरेंट्स आपके हरियाणा के हैं तो वो समझ जाएंगे कि छोरे ने इतने नंबर ले आ दिए. कति लट्सा काट दिया. सर आज तो मतलब सर मेरे को सच में स्कोर के बराबर उससे भी ज्यादा खुशी हुई होगी सर. आपसे बात कर ली सर मैंने. सर ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात पता है क्या है. आपके जो एग्जाम आया ना, आपका जो स्कोर आया है, वो तो एक खुशी है ही. वो जो आपके पेरेंट्स की स्माइल है ना सर, वो प्राइसलेस है. मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, आपको कभी भी लगे कि आपको मोटिवेशन चाहिए ना, आपको कभी भी लगे कि आप लो फील कर रहे हो, आप एक बार अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लो. आप ये याद करो कि उन्होंने किस स्ट्रगल से आपको आपकी करंट पोजीशन में पहुंचाया है. और आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ जो इन दो लोगों के चेहरे पे खुशी ला सकता है. अगर आपको ये सच्ची समझ में आ गई ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अपनी जान लगा दो एग्जाम के लिए. सर आप बिलीव नहीं करोगे सर, आप बराबर की मोटिवेशन थे मेरे लिए. सर मेरे फोन का वॉल पेपर तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट के टाइम पे मतलब मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली का लगा लिया था वॉल पेपर, जब भी उसको ओपन करता था मैं. पर सर मैंने मतलब 2 या 3 साल से मैं लगा हुआ था. 23 मार्च 2020 में शुरू की थी सर मैंने डेडिकेटेड प्रिपरेशन. 2 या 2.5 साल हो गए होंगे. तो सर मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया होगा सर आपका, गोविंद सर का स्पर्श सर. यू आर रियली माय फेवरेट सर. वैसे तो सब बराबर है, बट सर स्पर्श सर एंड जनाब मैम को भी रियली रियली थैंक्स. एंड मारवा सर ऑल्सो एंड गोविंद सर यू आर निमोनिक्स. सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल. बिकॉज आई कम सर मैं बता देता हूँ. गोविंद सर के निमोनिक्स और रोहतक के गुलाब की गच्चक, यही चीजें फेमस है इंडिया में. सर एक बार मैं आपके लिए सर गुलाब की गच्चक, गुलाब सर आज ही गया था मैं एक्चुअली. सर मैं आपके लिए लेके आना चाहता हूँ, मेरे को एक बार मौका देना चाहता हूँ. आपने कह दिया, आपने कह दिया. और अंकल जी आंटी जी के चेहरे पे जो मुस्कान है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, वो उसकी पिस्ता गज्जक और उसकी बादाम गज्जक से ऊपर है मेरे लिए. जेनुइनली बोल रहा हूँ मैं आपको, ईमानदारी से बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात. ये जो टाइम है ना, ये जो मोमेंट है ना, आपने ये मोमेंट आपने जो क्रिएट किया ना, ये 14 फरवरी से ज्यादा दिल बनाने वाली खुशी है. माँ बाप के चेहरे पे जिस बंदे ने खुशी लिया है ना, जो उसको उसको जिंदगी का क्रक समझ में आ गया. दिवाली नहीं मनाई सर, अब सर कुछ नहीं, बस सर थैंक्स अ लॉट टू यू सर. एंड अभी मेरे पास कॉल आ रही है सर, बहुत से बच्चे मेरे को देख भी रहे हैं सर. आपने मेरे को एक्सेप्ट की मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले, तो उसके लिए थैंक्स सर. गोविंद सर एंड नो वर्ड सर, ऑलवेज लाइक बी आई विल बी थैंकफुल टू यू. अरे और गजक तो जरूर लेके आऊंगा सर मैं, अगर मौका मिला ना सर. आपने एक्सेप्ट की सर रिक्वेस्ट, और कभी मौका मिला तो सर जरूर मुंह मिटा के आऊंगा सर. गोविंद सर ये पूछ रहे हैं, आप असली नाम तो बता दो अपना. अच्छा सर मेरा नाम है सर बलविंदर सैनी. डेडिकेशन रखी सर. ही गॉट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी आर्म्स पाल्सी एज वेल एज मैंडिबल फ्रैक्चर. बट सर वो सब कुछ मोटिवेशन था सर, काफी प्रॉब्लम आई बट सब कुछ मोटिवेट हो गया इन द एंड. और आप सबका सर आशीर्वाद, उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं था सर. टीचिंग आशीर्वाद पता है उन्हीं लोगों का है जो आपके पीछे खड़े हैं ना, दो लोग, उन्हीं का आशीर्वाद हम सब पे चल रहा है. दुनिया है सर, इन्होंने तो आई एम लाइक द फर्स्ट डॉक्टर सर इन माय होल फैमिली. हरियाणा में बोलते हैं ना कुंडबे में सर, मैं मेरे पूरे कुंडबे में पहला डॉक्टर हूँ सर. आप एक काम कर लो, एक छोटा सा काम कर लो, आप पापा और मम्मी को हग कर लो प्लीज लाइव कैमरे पे एक बारी. हग कर लो सर एक बारी, उनको हग समझा दो सर, उनको जब किसी बालों का थी ऐसी बढ़िया सी ठंड में गर्मी सी आ जाए सर. शायद मैं अपनी बहुत शानदार सर पहली बार गले मिलूंगा अपने पापा के, सच बताऊं तो मतलब मेरे को फैमिली में ये नहीं रोती इतनी कॉमन. बट सर आपकी वजह से ये भी एक थैंक्स ही है. देखना सर गले में हाथ रख पा रहे आज मेरे पापा मेरे गले में. और कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट.
अभी कुछ ज्यादा हाइप हो रखी है, सब सब आपको फैन बताते हैं, बट मैं उस टाइम से फैन हूँ मैम, मैं बहुत पहले से, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे रेडियोलॉजी के, आई रिमेम्बर मैम आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस एंड थैंक्स अ लॉट मैम. मैं एक बार अगर आपसे मिल पाऊँ ना सर, तो मैं बता सकता हूँ सर कि मतलब यू प्लेड रियली अ वेरी वेरी मेजर रोल इन माई लाइफ सर. दो तीन साल तक आपकी वीडियोज देख के सुबह उठना सोना आप सभी, तो यू ऑलरेडी बीइंग अ मेजर पार्ट इन माई लाइफ सर. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. ठीक है जो भी ज्वाइन करना चाहता है रिक्वेस्ट भेज दो और मैसेज में लिख दो प्लीज लेट मी ज्वाइन. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हमारे पास 5 मिनट है. आई थिंक कोई आना नहीं चाह रहा है शायद. रिक्वेस्ट मेरे पास 24 पड़ी है बट पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग. सर ये ना बड़े मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है बड़े हार्ट टचिंग मोमेंट्स होते हैं और किसी एक बेसिक लेवल पे ना मुझे लगता है कि पेरेंट्स है ना वो एक जैसे होते हैं सारे. वो सब एक ही ऐसे होते हैं यार, वो पेरेंट्स तो सभी खुश कर दिया एकदम. आशीष पुनिया जी प्लीज ज्वाइन. अरे आशीष जी हम आपको कह रहे हैं ज्वाइन करो. पाला सिंह जी पास हो गए साइलेंस. ओके वंश चोपड़ा जी ज्वाइन कर रहे हैं. ओके आशीष पुनिया तो आई नहीं रिक्वेस्ट किया है मेरे पास यार. आई कैन ज्वाइन. हां तो वंश आ जाओ ना रिक्वेस्ट भेजो यार, बिना रिक्वेस्ट के कैसे करेंगे ऐसे. वंश चोपड़ा अरे जैनब मैम मैं बोलने वाला था पता है स्टूडेंट की शक्ल बिल्कुल जैनब मैम जैसी है. आई एक्चुअली जस्ट केम इन सर, मैं बाहर थी और मैंने अभी ज्वाइन किया और मैंने समहाउ वो मूवमेंट देखा. इट वाज सो स्पेशल, मतलब मेरे आंखों में भी थोड़े आंसू आ गए वो देख के ना, जिस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको हग करा. इट वाज सो स्वीट एंड आई एम जस्ट फीलिंग ग्रेटफुल कि वो देख लिया. आई जस्ट ज्वाइंड इन लाइक उसी टाइम में मैंने ज्वाइन किया. हाय हाय, आई थिंक वन स्टूडेंट इज ऑल्सो ज्वाइन. हाँ जी हाँ जी. हाय सर. हाय सपना, कांग्रेचुलेशंस. सपना बताओ अपने बारे में थोड़ा बहुत. डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक. सपना को ज़ारा भी हो करेगी आई थिंक. अभी ज़ारा कह रही है कि मैं भी एफएमजी की कर, मुझे भी कांग्रेचुलेट कर दो. हाय हाय हाय, बताओ कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी है. 19 सब्जेक्ट रिवाइज किए थे ना. हाँ पापा दारू पापा सर आई थिंक इनके सबके दिमाग पे चला देंगे. मैं सर लीव करती हूँ. थैंक यू सो मच. आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉप इन एंड से हाय टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. बाय दारू. बाय. स्टूडेंट्स कौन ज्वाइन और प्लीज लेट मी नो. फ्रेश रिक्वेस्ट भेजो प्लीज, पुरानी रिक्वेस्ट से ज्वाइन नहीं हो रहा है. खूब हेलो आचे डॉक्टर प्रदीप का. सेंड मी द रिक्वेस्ट मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, चाहती हूं. सो आई थिंक स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली टॉकिंग टू अस, वो सिर्फ हमें सुनना चाहते हैं. सर सेलिब्रेशन टाइम है ना वैसे भी. सम टाइम्स व्हेन यू आर टू हैप्पी ना यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. तो आदमी खुश है, गा रहा है, नाच रहा है, कभी कभी समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं. तो वो अलग फेज है. आई थिंक वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस, तो वी कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस. हाय प्रतीक. हाय डॉक्टर सुरेश. डेफिनेटली मतलब पता नहीं ये क्यों रहा, एक्सेप्ट का रिक्वेस्ट आ रहा है. मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं तो पीपल आर नॉट एबल टू ज्वाइन, या मे बी दे आर नॉट विलिंग. इट मे बी टेकिंग सम टाइम सर, वो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उनके एंड पे. और क्योंकि जो भी लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं वो भी बहुत जल्दी मतलब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. हाय अभिनव. अभिनव सारवा कांग्रेचुलेशंस. प्लीज सेंड द रिक्वेस्ट. अमन मौर्या प्लीज सेंड द रिक्वेस्ट. लूसी ड्रीमर प्लीज सेंड द रिक्वेस्ट. आई विल सी द रिक्वेस्ट एंड एक्सेप्ट. कुछ प्रतीक लोकेंद्र
एक तो आई एम नॉट टेक्नोलॉजी ना, एक तो ज्यादा समझ नहीं आती, बुढ़ापा आ गया हम लोगों में. लोकेंद्र सिंह प्रवीण सर आ गए, प्रवीण सर को करा लो ज्वाइन. इनको करता हूँ सर. कहा बुढ़ापा आ गया सर अभी. प्रवीण सर मिठाई खा रहे हो अब अकेले अकेले? अरे खाना खा रहा था नहीं तो अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खा लो प्लीज. आप थोड़ी देर में कर लो. हम तो स्टूडेंट्स का लाइव होने वाले थे सर, हम आपस में लाइव कैसे हो गए? हम स्टूडेंट का लाइव हो रहे थे सर, हम हमने खूब चलो मुझे स्टूडेंट मान लो, आप मुझे इंटरव्यू कर लो. बेटा समरी नीट पीजी इज नॉट गेटिंग पोस्टपोन्ड. आप हाँ जी. गुड इवनिंग सर. हाय सर. ग्रेट फैन सर. गुड इवनिंग सर. आई एम स्टूडेंट ऑफ सेकंड थर्ड ईयर एमबीबीएस सर फ्रॉम जीएमसी भरतपुर. ग्रेट फैन सर. ग्रेट फैन सर. माय प्लेजर यू एक्सेप्टेड माय रिक्वेस्ट सर. हमारे लिए भगवान ही थे सर ये. सर आज सर जब एक मन की इच्छा थी सर जी आर जी सर स्पर्श गुप्ता सर से मिल रहा है सर, आज वो पूरी हो गई. ऐसी कोई बात नहीं भाई, हम दिल्ली में रहते हैं, हम हमेशा ऐसे अवेलेबल हैं. हम वैसे वाले टीचर नहीं है जो 10-12 फुट की ऊंचाई पे जाके बैठ जाए, ऐसे ही आप लोगों जैसे. अरे सर ये तो बड़प्पन है सर आप लोगों का. सर हमारा जो पूरा ग्रुप था ना सर, इतना आपका सर, आप दोनों का इतना अंधा भक्त टाइप का है सर फैन, मतलब बिल्कुल कोई भी पेपर हम सर जय जी आर जी जय स्पर्श गुप्ता बोले जाते ही नहीं थे. हमारा गुड लक मान लो सर, आप दोनों सर बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया सर आप दोनों को सर. पल्लवी कांग्रेचुलेशंस बेटा, यू गॉट 187 मार्क्स. वेरी गुड, वेल डन. अब नीट एग्जाम के बाद हमें फिर से मैसेज चाहिए दैट सर गॉट अ ग्रेट रैंक. वेल डन पल्लवी, कीप इट अप. चलो एक बार सर, अभी एक पार्टी भरतपुर की भक्ति हो गई सर, भरतपुर प्रोग्राम बनाते हैं सर. बिल्कुल सर, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा तो सर रैंक भी अच्छी आएगी सर. आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल. ससुराल भरतपुर में, वैसे मैं जाता रहता हूँ हर 3 महीने. चलो बिल्कुल सर, जल्द मिलेंगे. अब आप रैंक अच्छी आएगी, मैसेज करके दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर ले लो. फातिमा हाय सर. फातिमा हाय, कैसे हो? प्रशांत वेरी गुड बेटा, 160 मार्क्स. ठीक है, गुड इवनिंग सर. थैंक यू सर. Take care, brother. Bye. अरे वाह, क्या नाम है? द्विवेदी, वैभव द्विवेदी, 200 मार्क्स. वेल डन द्विवेदी जी, कीप इट अप. नयन बेटा कोई बात नहीं, इस बार एग्जाम पास हुआ कोई बात नहीं, 6 महीने की बात है, हिम्मत नहीं हारनी है. किस पर क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ किसी और को ज्वाइन करना है स्टूडेंट को तो प्लीज. शिवम शर्मा जी, राम राम. लाल फूल, लीला फूल, गोगा सर ब्यूटीफुल. भाई झूठ भी तो बोले. कुछ टाइम बाद नीट पीजी का भी रिजल्ट चाहिए हमें, ऐसे ही अमेजिंग रैंक ज्यादा. सी ऑल दो स्टूडेंट्स हु गॉट सेलेक्टेड, हु गॉट हु पास इन द एग्जाम, प्लीज ध्यान रखना है. ये वाली बात हमारे गोविंद सर और स्पर्श सर हमेशा कहते हैं कि डोंट लेट द गार्ड्स डाउन, यू हैव टू कंटिन्यू स्टडिंग एंड गेट सेलेक्टेड इन नीट पीजी ऑल्सो. अभी तो सफर स्टार्ट हुआ है भाई. अहमद हुसैन 205, अमेजिंग, वेल डन अहमद, कीप इट अप बेटा. अपूर्वा खुशबू, अपूर्वा 166, कीप इट अप बेटा, वेल डन. सरिता पांडे 170, अमेजिंग. जैदान 215, जैदान आपका मैसेज मिला, वेल डन, कीप इट अप बेटा.
जदान को सर लो नहीं जरा इसमें लाइव में जदान जरा रिक्वेस्ट भेज बेटा एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रवीण 98 सर जरा जदान को ले लो आप जदान आकाश आकाश 188 मार्क्स वेल डन कीप इट अप क्या बात है सर आज तो मजा आ गया बच्चों के एक एक करके मैसेज ध्रुव 209 व्हाट क्या बात है अमेजिंग ग्रेट रास्ते भैया 220 मार्क्स क्या बात है हाउ टू सेंड टेस्ट बताओ सर सर कैसे नहीं पेस्ट भेजने से क्या कह रहे हो सर आई एम सी नाम से रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट तो मतलब ऐसा वो बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण 98 को करता हूँ सुनील कह रहे फिल्टर लगा लो बेटा फिल्टर नहीं लाइट है लाइट बंद है आज मेरी तो मैं आज सांवला ही दिखूंगा जैसा मैं हूँ एक्चुअली हेलो सर प्रवीण हैज जॉइंड हाय डॉक्टर प्रवीण थैंक यू सर आई एम फास्ट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट आई सी योर ऑल वीडियोस मैंने आपके तीनों के थैंक टू मैं प्रवीण सर का बहुत थैंक करना चाहता हूँ मैंने साइकेट्री 6 बार पढ़ी है और मेरे को सारा समझ में आता लेकिन मेरे को देखने में मजा आता थैंक यू बेटा थैंक यू वी आर सो हैप्पी और सर सर जी आर जी सर आपकी फार्मा मेरे को थोड़ी कम आती थी लेकिन आप जो पढ़ाते थे ना उस टाइम बहुत मजा आता बहुत मजा आता सर माय स्कोर इज 153 वेरी गुड तो अपने जो जूनियर्स हैं आपके उनके लिए क्या सजेशन है आपका देखो हम सी प्रवीण ये हम लोग ना थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वी वांट द रिजल्ट्स टू बी अबाउट स्टूडेंट्स एंड नॉट टीचर्स राइट सर सजेशन आप अपनी थोड़ी बातें बताओ जो आपके जूनियर्स को फायदा करेगी मैं यही कहना चाहता हूँ सर जैसे मैं शुरुआत में जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने प्रेप लेटर से स्टार्ट किया था और ये मेरा थर्ड वो था अटेम्प्ट तो मैंने अब तक केवल प्रेप लेटर से पढ़ा चाहे प्रेप लेटर के रैपिड रिवीजन हो चाहे प्रेप लेटर के मेन नोट्स हो उसी को पढ़ा उसका कारण ये था कि मैं जब भी टेस्ट देता था ना तो उसमें मेरे को जो क्वेश्चन आता था तो उसमें थॉट प्रोसेस में जो क्वेश्चन के जो थॉट प्रोसेस था ना मेरा तो भाई उसमें यही रहता था जो मैंने प्रेप लेटर के नोट्स में पढ़ा उस हिसाब से क्वेश्चन कर पाता था तो मैं और ऐप के क्वेश्चन करता ही नहीं था तो इसलिए प्रेप लेटर के ही करता और फिर लास्ट में जब सर ने अभी लास्ट टाइम पे सेरेबलम के जो वीडियोस डाले वीडियोस वो मैंने सारे देखे आपके फार्मा के भी देखे हैं और पीएसएम किस वाले सर ने भी डाला है वो भी देखा है मैंने वहाँ पे सब वीडियोस देखे हैं सर और प्रवीण सर का मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने साइकेट्री अच्छे से पढ़ी है हम लोग ने हमेशा कहते हैं कि प्रेप लेटर से सिलेक्शन हो मैरो से सिलेक्शन हो सेरेबलम से सिलेक्शन हो सिलेक्शन होना चाहिए ये आज आज का दिन बच्चों का होता है आज का दिन इंस्टीट्यूट का नहीं होता So very good. We are very happy that preparer help you, cerebellum help you. It's very nice. Very nice to know. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. आज बस आपके सामने होता है आपके चरण पकड़ लेता मैं. आजा कभी दिल्ली आजा मिलके जाम से. जरूर सर. Thank you sir. बट अभी पढ़ाई करते रहने बेटा नींद आ रहा है नींद की नींद का एग्जाम पास करना है जल्दी से. आज आज सर यही हुआ जब मैंने मेरे पापा को बोला ना भाई मैं पास हो गया पापा बोले ठीक है तो पीजी की तैयारी करो आप बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं होना है एंजॉय करना है कुछ दिनों के लिए एंड देन यू हैव टू गेट बैक टू स्टडीज एक बार नीट पीजी निकल जाए पीजी में घुस जाओ फिर एंजॉय करना चलो थैंक यू सर थैंक यू प्रणाम सर बाय कांग्रेचुलेशंस सर परमार कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है सोच रहा हूँ सेरिबेलम का सब्सक्रिप्शन ले लूं पॉज सही रखना भाई डॉक्टर रेखा चौहान कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर यासिर कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर डेमी चौधरी डॉक्टर नितिन शर्मा डॉक्टर मुबशीर डॉक्टर आई एम शेख जैदान प्लीज अच्छा मैं काफी ऊपर रह गया ओके जैदान आई हैव सेंट एक्सपेक्टेड द रिक्वेस्ट रेखा 180 मार्क्स वेल डन कीप इट अप नितिन शर्मा आई लव यू प्रवीण सर नितिन आई लव यू गुड इवनिंग सर हाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर हमेशा मैं आपको टेक्स्ट करता था जब भी आप दोनों के रिप्लाई आते थे गोविंद सर से तो मैं बहुत बार बात करता था कोविड के टाइम पे भी हमेशा रिप्लाई करते थे मेरे को सर आज आप लोगों की बदौलत 215 स्कोर आ गया सर बहुत खुश हूँ ओह वाओ तीनों की वीडियो अमेजिंग मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ब्यूटीफुल सर आपके
सर आपकी फार्माकोलॉजी और स्पर्श सर के पैथो से मेडिसिन भी बहुत कवर हो गया सर. एक्चुअली मैं तो मेडिसिन देखा भी नहीं, इन दोनों से ही कवर हो गया मेरा. सर और प्रिंस सर के मोटिवेशन वीडियोस हमेशा देखता था, जब भी लो फील करते हैं अच्छा लगता है सुनता है. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. दिस ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बेटा? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था, रिसेंटली पास हुआ सितंबर. अमेजिंग, शानदार, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. गेटिंग सो मच सर. जनाब कहां से? सर मैं यहां बांग्लादेश ढाका पे ये इंटरनेशनल मेडिकल से पढ़ा था. ओके जी सर, जी सर, थैंक यू लॉट सर. ढाका में तो बहुत अच्छा जी. हाँ सर, आई थिंक अच्छा पढ़ाते, आप लोगों से ही मिला था सर. तो बेटा आप अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन दो, जैसे जो बच्चे देख रहे हैं आपके जूनियर्स हैं, यू गॉट सच ब्यूटीफुल स्कोर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर योर जूनियर्स? सर जूनियर्स के लिए यही बोलूंगा, लाइक स्टार्ट टू प्रिपेयर अर्ली एंड यू नो कंसिस्टेंसी की रखनी है सर. आई डोंट, मुझे लगता है सर ये जो जीनियस से ये मिथ है, आई थिंक सर कंसिस्टेंसी इज द मेजर थिंग एक्चुअली. करेक्ट करेक्ट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट. एंड सो वी हैव बीन सेइंग दिस टू एवरीबॉडी, यू गॉट अ ग्रेट स्कोर, बट अभी जंग आधी जीती गई है, पूरी जितनी बाकी है अभी पीजी में भी घुसना है. कौन सी ब्रांच में पीजी करना चाहते हो आप? जी मैं तो सर कार्डियो या न्यूरो में जाना चाहता हूं, आप देखते हैं. कार्डियो तो पीजी होती नहीं बेटा, पहले मेडिसिन करनी पड़ेगी तेरे को. सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया. मैंने कहा एमडीएमएस कौन सी ब्रांच में करना चाहते हो? सर यस सर, जनरल मेडिसिन. मेडिसिन, वंडरफुल. और बेस्ट विशेस, और बेस्ट विशेस. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, एंजॉय योर डे. गॉड ब्लेस यू, वी पे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली एज़ वेल. यस सर, सर आपका वीडियो याद है, रात के 2 बजे तक एक बार आप सेरेबलम पे ऑनलाइन आए थे. हाँ, और बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं आप सबको. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस. हेलो, हाय सोहेल. सोहेल हाय सर. सर मैं सर फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन. सर अभी हमने रिजल्ट्स देखा था सर, मालूम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है सर. इसका रीजन अनएक्सपेक्टेड किस सेंस में लगा आपको? पॉजिटिवली अनएक्सपेक्टेड लगा? पॉजिटिवली सर, मतलब इतना रिजल्ट उसका, अभी उसका, कहीं उसका बहुत सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, बिकॉज आप लोग अब अवेयर हो चुके हो. आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है उसकी ओरिएंटेशन वैसे ही डेवलप कर रहे हो. तो अभी लोगों का एम सिर्फ ये नहीं रह गया कि जो भी हमारी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो बिश्केक हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो चाइना के अंदर हो कि या बांग्लादेश के अंदर हो, कि हमें सिर्फ एग्जाम पास करना है, 50% लाने हैं. अभी एम ये हो गया कि हम कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर लें, समझ लें कि एग्जामिनर हमसे क्या क्या चीजें पूछ सकता है, और उसमें चाहे वो प्रवीण सर की कहानियां हो सलमान भाई वाली, या गोविंद सर के निमोनिक्स हो, या फिर किसी और फैकल्टी के विवेक सर के पब्लिक हेल्थ वाली चीजें हो, वो आप लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं और फिर अपने फाइनल ईयर के टाइम पे उसको दूसरी या तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं. बाय द टाइम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो वो 3 या 4 रिविजन कर चुके होते हैं, इसीलिए रिजल्ट का परसेंटेज जो है वो इस बार काफी बेटर गया. तो सर अब इसमें मतलब हम क्या कर सकते हैं? आपने इससे पहले जिसने भी लोगों का सुना उन सबने यही बोला कि उन्होंने तैयारी, जब भी उनको अवेयरनेस हुई इस चीज की वो स्टार्ट कर दी, और उन्होंने एक्टोपिक तैयारी नहीं करी. ऐसा नहीं कि बीच में तैयारी करी फिर छोड़ दिया, कंसिस्टेंट तैयारी करी, रोज पढ़ाई करी है, चाहे रोज के आपने सिर्फ 2 या 3 घंटे निकाले, बट कंटिन्यूअसली पढ़ाई करी है और बार बार रेगुलरली एग्जाम्स दिए, प्रैक्टिस किए, टेस्ट, उसके कारण लोगों का अच्छा रिजल्ट आया. सर पढ़ाई तो रेगुलर बेसिस पर चालू ही है सर, मतलब बट सर एक फिर भी एक डीमोटिवेशन आ जाता है सर के, मतलब कैसे क्लियर होगा या नहीं होगा, कैसे करना है, कैसे पढ़े करके उसमें वो हो जाता है. और सर सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है कि मतलब पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा टाइम बाद ऐसा लगता है कि मतलब याद नहीं है. आंसर है ना उसके लिए? मैं आंसर करता हूं. नहीं, मैं आंसर करता हूं. देखो ये फीलिंग सब के 15 दिन पहले जो पढ़ा था तो याद वो पढ़ने का, ठीक है. मैं आपको, मैं सबको ये बार-बार कहता हूं कि पढ़ने से किसी के याद नहीं होता. अगर आपका कोई भी दोस्त एक बार पढ़ा याद है तो रूम में बैठ के 3 बार, ठीक है. तो पहली बार जो पढ़ना होता है वो समझने के लिए पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट तो क्या चीज है, कैसे कैसे, ठीक है. उसके बाद याद करने की कोशिश करनी बहुत ज्यादा, आपको याद होगा जब आप तीसरी बार पढ़ोगे जाके 50-60% याद होगा. और जैसे जैसे आपकी रिविजन बढ़ेगी आपके
लग जाएंगी चीजें. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आप फोकस स्टडी करो कि हमें ये चीजें आप 6 बार 7 बार पढ़ो तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा. और आपका फिफ्थ ईयर में अभी आपका बहुत टाइम, ठीक है, तो जस्ट बी पॉजिटिव. लाइफ में हमेशा ऐसे आती आते हैं जब लगता है कि पढ़ना बेकार है, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा. ये हमेशा सबके साथ आते हैं, टॉपर्स के साथ भी आते हैं. तो उन पलों को भूलना होता है बेसिकली, ठीक है. वो शॉर्ट टर्म हो रहते हैं, 1 दिन 2 दिन रहते हैं, उन 1-2 दिन निकाल दो, उस दिन अपनी गेम खेलो, जो एंजॉय करते हो वो कर लो, उसके बाद फिर से पढ़ने लगे. सर यहाँ पर वही पढ़ने में यही इशू आता है, लाइक पढ़े कैसे, वो प्रिपरेशन. आप एक टाइम जब भी इंडिया विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कभी भी हमसे मिल सकते हो और हम 1-to-1 बैठ के जो भी आपका कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर इशू होगा उसको स्पेसिफिक इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे. बट सर एक बात है सर, मैं आपके पैथो के वीडियो का बहुत बड़ा फैन हूं सर. मेरे को भले कोई भी पढ़ा ले, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और गोविंद राय सर के जो फार्मा के निमोनिक्स है ना, सोनम बे ऑफ आई, वंडरफुल सर. एक डॉक्टर फूडी करके कोई स्टूडेंट है जिसका 8 सेकंड में सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर फूडी क्या आप हमें ज्वाइन कर सकते हो? और एक और बेस्ट विशेस, टेक केयर, थैंक यू. ओके वेल बाय डॉक्टर फूडी नाम से सर मैंने देखा था, ही सेड ही गॉट सिलेक्टेड इन 8th अटेम्प्ट. या ऋतु हाय, डॉक्टर फूडी आप सुन पा रहे हो हमें तो आप प्लीज ज्वाइन करिए, आपकी स्टोरी बच्चों से शेयर करते हैं, इट वुड बी ग्रेट. यस डॉक्टर फूडी, सर कैसे भेजते हैं रिक्वेस्ट? आई थिंक आपका लाइव है ना, आप ही भेज सकते हो. नहीं अच्छा, वो डॉक्टर फूडी आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी. एक रुपया मैं करता हूं, मैं उसको रिक्वेस्ट दूंगा अगर मेरे पास आए तो. आई जो सेव देना नंबर मेरे पास, सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट भेज सकता हूं. फोन नंबर ऐसा नहीं होगा सर? नहीं, जिसको मैं सेव मेरे सिस्टम में सेव, डॉक्टर अंडरस्कोर फूडी 94, मैं वही देख रहा हूँ. इट्स नॉट शोइंग. डॉक्टर मौर्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन. चलिए नोमैडिक अंडरस्कोर सुखी सर, -5th अटेम्प्ट. नशरा नौशीन, नोमैडिक अंडरस्कोर सुखी. हाँ, इनका भी रिक्वेस्ट आ रहा था काफी टाइम से. लेट मी सी सर, डॉक्टर फूडी ने रेफर लिखा है, भेज दिया यार, भेजते हैं, चेक करता हूं. आकाश बेटा, हम भी कोई भी गॉड कैसे हो सकता है, यू गाइस आर वेरी काइंड जो आप ये सब बातें लिखते हैं हमारे लिए, थैंक यू. हाँ, प्रवीण सर का सेक्रेटरी को मत जगाओ, वो अभी आपको नहीं तो फिर से इल्यूजन डिल्यूजन हेलुसिनेशन का कांसेप्ट समझाने लग जाएंगे. गाजियाबाद अली हाय, आपके मैसेज आते रहते हैं. हेलो, अच्छा आ गया. अश्विन कांग्रेचुलेशंस. डॉक्टर फूडी, आई हैव एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट, आ जाओ यार प्लीज. आज तो सर बहुत ही अच्छा दिन है सर, इतने बच्चों सिलेक्शन हुआ है, मजा ही आ गया. शानदार शानदार. Hi, good evening. Good evening, sir. Thank you all, sir. I can't explain right now. नाम बताओ बेटा अपना. मेरा नाम है तथा गुप्त. I am from West Bengal. तथा गुप्त. Very nice. Great. So you got this was your 8th attempt. Yes. So you want to hear a little bit about your story? Please share it with all of us. तो मैं चाइना. सर कांचा गोला पक्का हो गया था. हाँ. नहीं सॉरी, मैं इतना खुश हूँ, मैं कांचा गोला सोचने लग गया एक्चुअली. ओके. मैं 2019 में पास किया था चाइना से, उसके बाद मैं दिल्ली गया था कोचिंग के लिए. तो आप लोगों के पास ही मैं ऑफलाइन कोचिंग किया था, आप स्पोर्ट्स सर थे और गोविंद राय गर्ग सर थे, सब कोचिंग किया था. उसके बाद उस टाइम तो नहीं हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया, उस टाइम में घर आ गया. तो उस टाइम पढ़ाई भी अच्छा नहीं हुआ था, उस टाइम अगस्त में एग्जाम हुआ था तो पता नहीं चल रहा था कि एग्जाम होगा नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके 2020 चला गया. उसके बाद 21 आया, तो उस टाइम मेरे को 142 आया. तो मैं सोचा कि हाँ, और तो 8 नंबर चाहिए, तो नेक्स्ट बार आराम से हो जाएगा. पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं किया तो फिर मार्क्स कम हो गया, तो वो हो गया 137. तो उस टाइम मेरा तो मैंने बहुत डिप्रेशन में चला गया था मैंने. तो इस बार मैं ऐसे स्टार्ट किया कि मेरे को कुछ नहीं आता है. मैं फिर मतलब पहले से स्टार्ट किया और बार बार मैं ये गलती कर रहा था कि मैं नोट्स पढ़ रहा था. इस बार मैं उल्टा स्टार्ट किया, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से मतलब पूरा पहले से लास्ट तक नोट्स जैसे पढ़ते ऐसा नहीं किया मैंने. प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन होता है और जो यूट्यूब में तो बहुत सारा लाइव सेशन होता है एमसीक्यू डिस्कशन का, तो मैं उल्टा से पढ़ा इस बार. मतलब एमसीक्यू में जो डिस्कशन होता है नोट्स में वो कहाँ है वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे पढ़ाई किया मैंने.
तो इस बार हो गया। Wonderful. सर, और गोविंद सर से तो मैं व्हाट्सएप में बात भी करता था, याद है या नहीं है पता नहीं है मेरे को। मेहनत करते रहो तो एक बात बोलूंगा सर की 140 जब आ जाता है ना तब मतलब आया था कि हाँ मेरा हो जाएगा, लेकिन जब तक 150 नहीं आता है ना कुछ नहीं होता है, मार्क्स कम हो जाता है। मैं एक गलती किया था, जब मेरे को 142 मिल गया तो उस बार मैं सोचा था कि लास्ट 2-3 महीना पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। चलो, और तो अभी नोट्स पढ़ के भी कुछ नहीं होता है, मतलब एमसीक्यूज बहुत करना पड़ता है। सिर्फ मैं नोट्स पढ़ा, पहले 1-2 साल में नोट्स पढ़ा, पढ़ाई नहीं किया ऐसा नहीं है, नोट्स पढ़ा लेकिन नहीं हुआ। Concepts are very important. हाँ, very right, very right. हाँ, और MCQ solving वो तो बहुत important है। Very good. Very good. Very nice. Congratulations, बेटा. Congratulations. Yes, thank you, sir. Enjoy short day. Enjoy the day. और फिर कुछ time. Thank you. All the best. अनेक शुभेच्छा दादा. And whenever we catch up, we'll definitely have some kacha gola and rasagulla. Yeah. Thank you. आपना के अनेक शुभेच्छा. And Sandesh also. Thank you, sir. प्रवीण सर के लिए Sandesh. Yeah. Definitely, sir. डॉक्टर थैंक यू सो मच फॉर एक रिक्वेस्ट है सर, आपका जब सेरेबेलम लॉन्च होगा ना कोलकाता में सर, सिर्फ ऑफलाइन क्लास करना है, सिर्फ दिल्ली मुंबई में होगा तो नहीं चलेगा सर। बिल्कुल थैंक यू, बाय थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू। डॉक्टर बिहाइंड द सीन्स, वेरी वेरी मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस सर, ये दे हैव अ वेरी एक्टिव पेज एंड आई थिंक वी हैव टॉक टू देम आल्सो। If they are here, let's connect them. Let's. किनका सर? ये doctor behind the scenes करके page, I forgot the name of the student. I'm not sure. अगर वो आप हो. अच्छा सुकी. सुकी has joined. Hi सुकी. Hello. सत्श्रीकाल सर, सत्श्रीकाल. जी सत्श्रीकाल, की हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया. सर मेरा भी 5th attempt था. चलो बहुत बहुत बधाई मेरे। हाँ जी हाँ जी सर, थैंक यू सर, गोविंद राय गर्ग सर, बहुत बहुत थैंक यू सर थोड़ा। मैं तो मैसेज भी किया सी व्हाट्सएप पे के केड़ी जगह सर, दिल्ली तो हां, मैं आर्मेनिया तो कीती थी, मेरा 5th अटेम्प्ट थीगा, मेरे 174 आए ने सर। आपका बहुत बहुत ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत नहीं नहीं आया सर, ये आपका हार्ड वर्क है, बहुत अच्छा लगा मेरे। और कुछ लास्ट दो अटेम्प्ट से मेरे 148 और 149 आए थे दो अटेम्प्ट में, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था कि कैसे करना है क्या करना है, आपने कहा था कि एमसीक्यू करो और बस वो करो हो जाएगा। मैंने सर होप छोड़ दिया था कि नहीं होगा शायद कि, बट फिर अब मतलब हो गया इस बारी। शानदार, बहुत बढ़िया। दिल्ली में तो क्या डिफरेंट किया बेटा आपने इस बार, पहले 4 अटेम्प्ट से 5 अटेम्प्ट में क्या डिफरेंट किया जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हो? कॉल कर रहा था या मॉक नहीं दे रहा था, तो इस बारी मैंने मॉक में देख दे दिया और अपनी गलतियां देखी, फिर मैंने उसको एक जगह पे लिख लिया कि मतलब मेरे 300 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वो क्यों गलत हुए हैं, मतलब क्या चीज मेरी मतलब गलत रह गई है, तो मैंने उसको एक नोटबुक में मतलब लिख दिया कि क्या चीज गलत है और क्या है, तो बस मैंने उसको एक बार रिवाइज किया जाने से पहले, और हाई पॉइंट पड़े इस बारी ज्यादा, क्योंकि इस बारी थोड़ा सा पैटर्न था तो मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो मतलब पता नहीं था कि क्लिनिकल है कि कैसा है, तो इसलिए सर। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सबको सर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई मेरे अगेन। हां जी सर, थैंक यू सो मच सर, जल्दी मिलते हैं फिर, आर्मेनिया की तो वैसी हमारी पुरानी आदत आ जाओ, पीजी के लिए ज्वाइन करेंगे सारी कलम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर स्पर्श आई थिंक बंद करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है सर, नहीं सर प्रवीण सर कंटिन्यू कर लेंगे, प्रवीण सर कह रहे थे वो खुशबू और केशव का इंटरव्यू करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बिहाइंड द सीन्स का। नहीं सर, अगर वो लोग हैं तो भी बस इसी में ज्वाइन कर लेते हैं, मैं भी जाता हूं। हां क्योंकि फिर ऐसा ये करेंगे फिर कल खाना नहीं मिलेगा सुबह, तो बड़ी दिक्कत हो। चलो जी ठीक है सर, कर
क्या नाम होता है सर, मैं केशव खुशबू ना, केशव खुशबू, अगर आप लोग हो तो प्लीज एक बार मैसेज डालिए। हाँ ये रे सर डालना, देखो डॉक्टर डॉट बिहाइंड द सीन्स करके है इनका प्रोफाइल, दे आर ऑनलाइन, डॉक्टर डॉट बिहाइंड द सीन्स, दे हैव अ गुड पेज। क्या सर हैव दे सेंट द रिक्वेस्ट सेंड किया उन्होंने? आप लोग रिक्वेस्ट सेंड करो, आई एम नॉट श्योर, आप देख पा रहे सर इसको, ये आई थिंक तीसरा चौथा मैसेज ये इनका, नहीं अब मैसेज हां आ गया एक्सेप्ट, आई हैव एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सर बहुत पुराने वाले दिन याद आ गए ना, 2006-07 वाले। हेलो हाँ जी, हेलो हाय सर, हाय सर, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, कांग्रेचुलेशंस, पहली बार थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, फाइनली हो गया, बहुत 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 कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो भाई। क्या स्कोर आप सर, क्या सर क्या स्कोर आया? 206 आंसर खुशबू, 215 एंड सर ये सर आपकी वजह से पॉसिबल हुआ, तीनों की वजह से जो स्टार्ट करी थी मेरी पूरी मेडिसिन, जो मतलब ये स्टार्ट हुआ था मेन फार्मा से ही हुआ था और वो सर की वजह से ही हुआ था, देन धीरे 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 वो सबका इंटरेस्ट आया एंड फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही गया। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव और खुशबू का सर बड़ा फेमस पेज है, बहुत सारे बच्चे को फॉलो करते हैं, मैंने भी, मैं भी देखता रहता हूं कभी कभी। हां सर के, सो दे सर एक बार लाइव करी थी ऑलरेडी, हां लाइव ही हुआ था एक बार हमारा। हां सो दे आर नॉट ओनली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बट दे आर एक्टिव इन स्टडीज आल्सो, वेरी डन, कीप इट अप, वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर फाइनली आगे भी लाइव कर सकते हैं, अब तो मेरा भी क्लियर हो गया तो अब इजी रहेगा। सो व्हाट नेक्स्ट एंसर, कांग्रेचुलेशंस फॉर न्यू एकेडमी सेरिबेलम, थैंक यू, काफी अच्छा लगा देख के, एंड जो रिवीजन अभी चल रहा था मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसकी वजह से, बट काफी बढ़िया स्टार्ट हो रहा है, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट नेक्स्ट केशव, क्या सर नेक्स्ट, क्या पीजी की प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट? तो अभी हॉस्पिटल मिल जाए इंटर्नशिप के लिए, वो तो मिल जाएगा ही, दिल्ली में थोड़ी वो है ना सीन, मिल जाए तो बहुत बढ़िया दिल्ली में, चलो फिर उसके बाद पीजी की प्रिपरेशन है, बिल्कुल हम आप सबसे बात कर पाते, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है एंड बट वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा रिजल्ट गया आई बिलीव, एंड ये जो ये कई बार एफएमजी बच्चों को लगता है ना कि नेक्स्ट आ गया तो हमारा क्या होगा, देखिए आप किसी से कम नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, यू आर एज गुड एज एनीबडी एल्स, एंड चाहे नेक्स्ट आए चाहे टेक्स्ट आए चाहे डेक्स्ट आए, इफ यू स्टडी हार्ड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सिलेक्टेड, राइट? एग्जैक्टली, ऑन दैट नोट गुड नाइट, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली यार, वो गोविंद सर का ब्रांड, गोविंद सर का ब्रांड पूछा है, गोविंद सर का ब्रांड है एक्वाफिना। अच्छा कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, एंड जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है डोंट लूज होप, ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेज करो, I will be there, बैठ के अभी आप relax करो दो तीन दिन, उसके बाद we will definitely make a plan separate for the student, आप जो personally message करो, हम plan बनाएंगे कहाँ पे क्या गलती हुई, उसको कैसे improve कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि exam clear नहीं हुआ तो खत्म हो गया, हाँ improvement करेंगे यार, हम देखेंगे कहाँ गलती हुई, that will be different for every student, इसलिए हम personalize करेंगे, एक generalize नहीं कर सकते, ये कर लो, ठीक है, तो हम अपने देखें कि student की कहाँ पे गलती हो रही है, उसको कहाँ से कैसे improve कर सकते हैं, तो I will be there for you. PM कर देना तो डेफिनेटली सॉर्टेड, एंड कांग्रेचुलेशंस एवरीवन अगेन।